हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली जादुई पूड़ियाँ। जादुई पूड़ियाँ इसलिए कि आप 2 के बजाय 10 खा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही टेस्टी और एकदम फूली फूली, बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर लिए 1 कप गेहूं का आटा। 1 कप गेहूं का आटा 150 ग्राम के लगभग होंगे और इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक जब भी डालेंगे स्वाद अनुसार ही डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल डालने से पूड़ियाँ हमारी एकदम खस्ता बनेगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने में। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिए हैं ग्लास में पानी। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे सॉफ्ट डो बना लेना है और एक बार में पानी नहीं डालेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूंथेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं तो इसे रख देते हैं। अब यहाँ पर लिए 1 कटोरी में पानी, 3 से 4 चम्मच होंगे। और यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 चम्मच तक गेहूं का आटा। 1 चम्मच डालेंगे फूड कलर, ये लाल कलर है। और इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और ये जो पेस्ट है वो गाढ़ा होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से गाढ़ा है। इसे अभी 10 मिनट तक रेस्ट देंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो ये देखिए इसे हाथों में लेकर इस तरह से दबाकर थोड़ा सा इसे लंबा कर लेते हैं और इसके छोटी छोटी लोई बनानी है। तो इसे छोटी सी लोई बना लेते हैं, जिस तरह से पूड़ियों की लोई बनाते हैं उसी तरह से इसे लोई बनानी है। और हाथों के बीच में इस तरह से रखकर इसे गोल कर लेंगे और थोड़े से हाथों से दबाकर इसे चपटा कर लेना है। यहाँ पर लिए 1 थाली और थाली को पलटकर उसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा दिए हैं। और देखिए पूड़ियों की लोई को इस तरह से डालकर इसे बेल लेना है। इसे आप चकला पर भी बेल सकते हैं। और ये देखिए जिस साइज में आप रखना चाहें उस साइज में रख सकते हैं। तो यहाँ पूड़ियों की साइज में इसे बेल लिए हैं। तो देखिए इसी तरह से सभी को बेल लेंगे और ये हमारा पेस्ट तैयार है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद और भी गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से पेस्ट हमारा रहना चाहिए। चम्मच से ऊपर से गिराएंगे तो ये धीरे धीरे गिरेगी। पेस्ट हमारा तैयार है। तो यहाँ पर एक ले लिए हैं झंझरा, और इसे हमारे यहाँ झंझरा बोला जाता है। और झंझरा को इस तरह से पलट कर इसके ऊपर पूड़ी रख देंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे और ये देखिए ये डिजाइन जो है बहुत ही आसान है बनाना। और इसके ऊपर रख देंगे कलर वाला पेस्ट जो गेहूँ के आटे से बने थे। तो इसे डालने के बाद चारों तरफ फैला देंगे और ये देखिए एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे लगातार इस तरह से फैलाते जाएंगे। ये देखिए ये जो डिजाइन है बहुत ही आसान है बनाना। और ये देखिए सभी को अच्छी तरह से फैला लिए हैं। अब इसे पलट देते हैं और घोल हमारा गाढ़ा है तो ये गिरेगी नहीं। और इसे देखिए इसे निकाल लेते हैं तो ये देखिए कितने आसानी से एकदम डिजाइन बन गए हैं। तो इसी तरीके से सभी को बना लेना है और बना बना कर अलग प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल जब गर्म हो जाएंगे तो एक एक पूड़ी को डालकर इसे फ्राई करना है। एक पूड़ी को डाल दिए और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे दबाएंगे तो एकदम ये फूलने लगेगी। और फूल जाने के बाद इसे पलट देते हैं तो दूसरी साइड डिजाइन नहीं बनाए थे। तो ये देखिए हमारी पूड़ी एकदम तैयार है। तो इसे सुनहरा कलर तक इसे फ्राई करना है। और ये देखिए इसे पलट कर पका लेते हैं। तो ये हमारी पूड़ी तैयार है। तो इसी तरीके से बाकी बची हुई पूड़ियों को भी बना लेना है। और इस तरीके से जब पूड़ियाँ बनाएंगे ना तो खाने के 2 और खा जाएंगे 10 और पता भी नहीं चलेगा। इसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। और इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इस तरीके से आप एक बार पूड़ियाँ ज़रूर बनाएं एकदम फूली फूली। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।